नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूं मैं, और वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो आप मुझे हमेशा कमेंट बॉक्स में बोलते रहते हो कि जी आप वीडियो बनाओ इस टॉपिक के ऊपर। तो आप आज आपके लिए मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो है जी ड्राफ्ट सेंसिंग, ट्रैक्टर के अंदर क्या होती है और ये आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका ट्रैक्टर जो है सेंसिंग अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो ड्राफ्ट सेंसिंग के ऊपर होने वाला है, और इसके अंदर मैं आपको थ्री जो पिन लगाने के लिए यहाँ पे जो होल होते हैं इसके बारे में बताऊंगा भी इनका क्या काम है, और सेकंड मैं आपको बताऊंगा भी ट्रैक्टर आपका जो सेंसिंग करता है, आप ड्राफ्ट लीवर से जो सेंसिंग करते हो वो कैसे काम करता है। तो पोजीशन और ड्राफ्ट दोनों लीवर के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, और साथ ही साथ आपको जो है सेंसिंग कैसे ट्रैक्टर करता है वो भी आपको बताया जाएगा, ताँ जो आप घर पे अपने ट्रैक्टर की सेंसिंग चेक कर सकते हो भी आपका जो ट्रैक्टर है वो कंट्रोल अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले तो ड्राफ्ट सेंसिंग क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप ये देखो भी ट्रैक्टर के अंदर जो है दो लीवर होते हैं जो कि लिफ्ट के लिए दिए गए होते हैं। तो बड़ा लीवर आप, क्योंकि हम किसान लोग क्या है बड़ा और छोटा ही जानते हैं, हमें पीसी डीसी का कम ध्यान होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि बड़ा जो लीवर है वो पीसी लीवर है। इसका मतलब होता है पोजीशन लीवर, कहाँ कौन सी पोजीशन पे अपने को लिफ्ट को रोक के रखना है, तो ये पोजीशन लीवर है। और जो डीसी लीवर होता है ये होता है ड्राफ्ट कंट्रोल। तो इसका जो काम है वो है आपकी डेप्थ को कंट्रोल करना भी आपने अपने ट्रैक्टर के अंदर कितनी गहराई पे ऊपर आपको जो है इम्प्लीमेंट वो चलाना है। तो यहाँ पे आपको ये दो लीवर मिलते हैं, और जॉनडियर में पीसीडीसी के साथ में यहाँ पे एमक्यूआरएल सिस्टम भी मिलता है जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप वो चैनल के अंदर जाके देख सकते हो। तो आज मैं इसका आपको बताता हूँ भी ड्राफ्ट सेंसिंग आप कैसे चेक कर सकते हो। तो ये जो हमारा आज का जो वीडियो है ये वीडियो सिर्फ ओनली ट्रैक्टर का है, इसके साथ मैं कोई इम्प्लीमेंट अटैच नहीं करूँगा, ताँ जो आप बिना इम्प्लीमेंट के भी अपने ट्रैक्टर की सेंसिंग को चेक कर सकोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों लीवर्स को नीचे डाल देते हैं, और मैं आपको पीछे जो तीन पॉइंट होल हैं अपने उनके बारे में बता देता हूँ भी कैसे कहाँ पर लगेगा। तो जी देखो आपकी ये जो है ये टॉर्जन वाल वाला जो है लिफ्ट है, जेडी लिफ्ट है जॉनडियर का, तो इसके अंदर जहाँ पे आपको तीन होल मिलते हैं तो इन तीनों होल का क्या क्या काम है मैं आपको पहले जो वो बता देता हूँ। तो ये बेसिकली सेंसिंग के लिए दिए जाते हैं तीनों होल। तो सबसे नीचे वाला जो होल है वो ज़्यादा सेंसिंग के लिए है, उसके बाद ये मीडियम सेंसिंग के लिए है, और ये जो ऊपर वाला है ये जीरो सेंसिंग के लिए है। तो इनके अंदर क्या है कि बेसिकली जो है यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये सेंसिंग रॉड जो है अंदर लिफ्ट के अंदर जाती है, तो ये सबसे नीचे अगर आप पिन लगाते हो और यहाँ पे टॉपलिंग लगी रहती है तो ये ज़्यादा जो है इसको पुश करती है, तो ज़्यादा पुशिंग होगी तो ज़्यादा सेंसिंग होगी। यहाँ पे अगर डालोगे तो यहाँ पे इसको पुश करने के लिए थोड़ा पावर की ज़रूरत पड़ेगी टॉपलिंग को, तो यहाँ पे क्या है पुश जो है वो लगता है पर बहुत पावर के साथ लगता है, जो कि आप हैवी इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हो तब यहाँ पे पुश इसको पावर के साथ लगता है। तो यहाँ पे जो सेंसिंग है इसके मुकाबले, इस होल के मुकाबले यहाँ पे सेंसिंग आपको कम मिलेगी, और ये जो होल है यहाँ ये है जीरो सेंसिंग होल। तो यहाँ पे अगर आप कोई इम्प्लीमेंट चलाओगे तो आपका इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी यहाँ पे सेंसिंग जो है वो नहीं कर पाएगा, कंट्रोल जो है नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों होल का यही काम है। उसके अलावा अगर मैं इम्प्लीमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे नीचे जो है हल्के इम्प्लीमेंट्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कल्टीवेटर हो गया, आपका सीड ड्रिल होगी, जहाँ जो भी आपके हल्के जहाँ हल्की ज़मीन के अंदर चलाने वाले जो इम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ज़्यादा सेंसिंग के लिए। उसके बाद जो आपके इम्प्लीमेंट्स आते हैं हैवी इम्प्लीमेंट्स आते हैं जो, और जो कठोर ज़मीन के अंदर आप जो इम्प्लीमेंट चलाते हो वहाँ, उसके लिए आप ये बीच वाला सेंटर वाला जो है होल इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या है कि आपको जो है गहराई अच्छी मिलेगी और ट्रैक्टर उतनी ही सेंसिंग करेगा जितनी आपको सेंसिंग की ज़रूरत है हार्ड ज़मीन में। और सबसे ऊपर वाला जो होल है इसके अंदर आप किसी एक एक चीज़ को, बारी चीज़ को आप अपनी थ्री पॉइंट हिच के ऊपर जो है उठाकर एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हो, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो है हमारा तीसरा होल यूज़ किया जाता है। और सबसे एक इम्प्लीमेंट भी आता है जो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो वो है रोटावेटर।
तो रोटावेटर जो इम्प्लीमेंट है वो रोटावेटर की जो पिन है वो आप ऊपर लगा के ही चलाओ, ता जो क्या रोटावेटर के अंदर आपको सेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तीनों होल का ये ही काम है, इसके अलावा इन होल का और कोई काम नहीं है। तो ये होगी जी इसकी बात। अभी हम क्या करेंगे, ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और फिर आपको मैं ड्राफ्ट लीवर बताऊंगा भी कैसे आपको चेक करना है और कहाँ पे आपको सेटिंग उसकी रखनी है, फिर हम टॉपलिंग से जहाँ किसी रोड से इसको अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन ट्रैक्टर पे। तो ये हमारा 5105 जो है मॉडल है जॉन डियर का, तो 5105 इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं, तो ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। अभी आप देखो कि दोनों जो लीवर है मेरे डाउन में है और जो मेरी लिफ्ट है ट्रैक्टर की वो भी बिल्कुल डाउन में है। अब मैं क्या करूँगा, आपको क्या करना है, ड्राफ्ट सेटिंग चेक करने के लिए आपको जो छोटा लीवर है इसको आपको ऊपर करना है, हल्के 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 ऊपर करना है। ये तब तक ऊपर करना है जब तक आपकी जैसे लिफ्ट जो है वो, देखो मैं ऊपर कर रहा हूँ, अब देखो लिफ्ट ऊपर आ गई ना, तो ये लिफ्ट जब ऊपर आ जाएगी तो वहाँ पे आपको रोक देना है। उसके बाद में जहाँ पे लिफ्ट ऊपर आई है ये लिफ्ट क्या है वहीं पे रुक गई है। अब मैंने क्या करना है, जैसे ये लीवर ऊपर आके काम कर रहा है तो अब मैंने क्या करना है, इसको हल्का सा डाउन में करना है, डाउन करते जाना है, डाउन करते जाना है। ठीक है, तो जैसे मैं अभी लीवर जो है डाउन कर रहा हूँ, आप देखो कि लिफ्ट मेरी है नीचे उतरना शुरू हो गई है ना, तो ये लिफ्ट पूरी नीचे उतर गई। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस पोजीशन पे पहले हमने क्या किया, लीवर को ऊपर किया, जहाँ पे लिफ्ट उठी वहाँ पे लीवर को रोका, फिर हल्का सा डाउन किया कि जो है लिफ्ट वापस से नीचे चली जाए, हल्का सा डाउन किया। ठीक है, तो अभी क्या करूँगा मैं, अभी इसके अंदर रॉड में लगा के अभी सेंसिंग इसकी चेक करूँगा भी यहाँ पे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पोजीशन लीवर है उसको आपने जीरो भी रखना है, डाउन ही रखना है, सिर्फ ड्राफ्ट लीवर को आपने ऊपर करना है जहाँ पे लिफ्ट जो है आपकी मूव कर रही है। ठीक है, तो अभी नीचे पीछे अपन चलते हैं ट्रैक्टर में, देखते हैं। लो जी ये पिन लगा दो, पहले सबसे नीचे क्या आपको करना है, पिन लगानी है, सबसे नीचे पिन लगानी है। तो जैसे ये पिन लगी आप इसके अंदर आप देखो कि हमें इस रोड को पुश करना है इस पिन के जरिए। ठीक है, तो मेरे पास इसके अंदर दो तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट तो है जैसे मैंने ये रॉड लगा दी, ठीक है, तो रॉड के जरिए से जैसे मैं इसको नीचे दबाऊंगा, ठीक है, तो इसको रॉड इसको क्या पुश मिलेगा अंदर। ठीक है, तो अभी मैं बोलता हूँ कि अब इसको हल्का हल्का आप दबाओ, इसको हल्का सा दबाओ। जैसे ये लड़का देखो दबा रहा है, तो देखो अभी ऊपर आई लिफ्ट, पूरा दबा दो, पूरा दबा दो, तो ये लिफ्ट ऊपर आ गई, अब छोड़ दो, पूरा छोड़ दो। ठीक है, तो ये देखो अब लिफ्ट जो है ऑटोमेटिक नीचे जा रही है ना, जैसे इन्होंने दबाया लिफ्ट ऊपर आई और जैसे इन्होंने नीचे किया मतलब छोड़ा तो लिफ्ट जो है नीचे आ गई। तो इस पोजीशन पे जहाँ पे मैंने लीवर की सेटिंग करी है, जहाँ पे आपका लीवर ड्राफ्ट लीवर जो है लिफ्ट को उठाने के बाद जब आप थोड़ा सा हल्का सा डाउन करोगे लिफ्ट को ऑटोमेटिक नीचे कर रहा है, तो वहाँ पे आपकी जो सेटिंग है वो सही है। जैसे मैं आप देखो अब मैं झटका दूंगा इसको हल्का सा, देखो ये झटका दिया ना, देखो तो झटका दिया ना, तो ये झटके से क्या हो रहा है कि जैसे मैं झटका दे रहा हूँ वैसे लिफ्ट ऊपर आ रही है, जैसे छोड़ रहा हूँ वैसे नीचे जा रही है ना। तो ये पास में से आपको दिखाता हूँ मैं, देखो आप पास में से देखो आप, जैसे ही झटका आ रहा है वैसे जो लिफ्ट है वो ऑटोमेटिक मूव कर रही है, ऊपर की तरफ काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम टॉपलिंग ट्रैक्टर में लगाएंगे यहाँ पे इस जगह पे सबसे नीचे टॉपलिंग लगाएंगे, तो टॉपलिंग की मदद से ट्रैक्टर के अंदर पुश लगेगा, यहाँ पे इस रोड को धक्का लगेगा, जिसके कारण जो आपका इम्प्लीमेंट अच्छे से कंट्रोल करेगा ट्रैक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम सेकेंड में स्पिन को डालते हैं, इसमें सेकंड में स्पिन को डालते हैं, तो देखते हैं अभी सेकंड में ये काम करता है या नहीं करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेकंड के अंदर जो है यहाँ पे क्या है, हमारे पास जगह कम रह जाएगी,
तो जिसके कारण क्या है कि जगह कम होने की वजह से ये जो है बहुत पावर से काम करेगा। सेकंड में क्या है कि ये रॉड नहीं लग रही है यहाँ पे, तो आप बेसिकली आप सबसे नीचे ही डाल के आप चेक कर सकते हो कि जो आपका कंट्रोल है वो ट्रैक्टर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपका पहला जो मैंने स्टेप बताया है आपको, आपने डीसी लीवर की जो सेटिंग है वो करनी है। डीसी लीवर की सेटिंग कैसे करनी है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने डीसी लीवर को नीचे रखना है, उसके बाद में आपकी लिफ्ट नीचे रहेगी, पीसीबी नीचे रहेगा, फिर आपने क्या करना, डीसी लीवर को हल्का 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 ऊपर की तरफ लेके आना है। ठीक है, हल्का हल्का ऊपर की तरफ लेके आओगे, ये वहां तक लेके आना जब तक आपकी लिफ्ट ऊपर ना उठ जाए। जैसे लिफ्ट ऊपर उठ गई तो आपने इसको क्या करना है, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आना, हल्का 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 नीचे। ठीक है, जैसे मैं लेके जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको नीचे कर रहा हूँ हल्का हल्का, मुझे पता है अभी मेरी लिफ्ट यहाँ पे जो है ट्रैक्टर की वो नीचे जा रही है। जैसे अभी देखो नीचे जाना शुरू होगी, तो यहाँ पे जो है नीचे जा रही है, तो यहाँ पे जो ट्रैक्टर है वो पूरा अच्छे से कंट्रोल करेगा आपका। और आप अगर इसको चेक करना चाहते हो तो जैसे मैंने रॉड डाल के नीचे चेक करके बताया आपको, तो आप उस तरीके से इसको चेक कर सकते हो। तो जी ये था आज का हमारा वीडियो, आपको आपको जो मैंने जानकारी देनी थी वो इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है अभी आप तक पहुंच गई होगी। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से ज़रूर सीखेंगे और अपने ट्रैक्टर को खुद ही गर्व के ऊपर आप इस तरीके से इसको चेक कर सकेंगे, हमारा ट्रैक्टर जो है सेंसिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका ट्रैक्टर सेंसिंग नहीं कर रहा है तो इन तीनों होल का ज़रूर ध्यान रखना है भी, आपने जो टॉप लिंक है वो कौन से होल में लगाई है। अगर नीचे लगाई हुई है तो बढ़िया है, सबसे अच्छी सेंसिंग मिलेगी। अगर बीच में लगाई हुई है और आपकी ज़मीन हल्की है और इम्प्लीमेंट भी हल्का है, तो आप इसको बीच में मत लगाओ, आप इसको नीचे लगा के चलाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी वीडियो देखने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जॉन डियर के नए नए वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।